हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं जा रहा हूँ खेत में, दो चार बोझा पड़ा है उसको ढो दूँ ताकि वो खाली हो जाए खेत। और उसके बाद से यहाँ पीछे देखिए, ये वाला जो खेत है ये देखिए पूरा कट चुका है और ये आधा इसको पीट के यहाँ पे पसार भी दिए हैं। और वहाँ पे जो थोड़ा सा बचा है उसको अभी पीटना बाकी है, तो वो अभी सूख रहा है। और ये जो सामने हरा हरा खेत दिख रहा है उसको अभी हम लोग काट रहे हैं। दरअसल जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों का जीवन अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, क्योंकि कोई टाइम का पता नहीं होता कब कितना धूप हो रहा है, खेत में कब निकलना है पता नहीं चलता है। बारिश का अगर समय हो तो भी खेत में जाके जो भी काम होता है अच्छे से निपटाना होता है। अभी ये देखिए पीछे, ये यहाँ पे एक मजदूर मैंने लगाया है जो कि खेत को काट रहा है, चलिए इससे बात किया जाता है। दरअसल ये मेरी बहन है, छोटी बहन है, ये खेत काट रही है और खेत काटने की जिम्मेदारी इन लोगों की है और मेरा ढोने का और पीटने का है। तो दोस्तों चलिए अभी दिखाते हैं, हमको चार बोझा ढोना है। अभी छोटा छोटा बोझा है उसको ढो देंगे और फिर उसको शाम को आके पीट देंगे। अभी तो ये लोग खेत काट रहे हैं तो काटने देते हैं। और यहाँ पे देखिए चार बोझा रखा हुआ है, 1 2 3 4, और ये मुझे घर पे ले जाना है। तो देखिए दोस्तों ये पहला भी बोझा है और ये वजन नहीं है ज़्यादा, हल्का है, उठाने में थोड़ा आसान था। अभी छोटा भाई नहीं है क्योंकि वो गया है कहीं मार्केट करने, और अभी मुझे ये चार बोझा ढोना है और शाम को मुझे ही पीटना है। तो अभी ले चलते हैं घर इसको। तो दो बोझा ढो चुके हैं दोस्तों और ये आखिरी दो बोझा हैं, चलिए इन लोगों से बात करते हैं, ये लोग देखते हैं क्या कहते हैं। धान कटाई के सीज़न में ये लोग बहुत परेशान करते हैं। और बताइए चलना है? हाँ चलना है, इनको भी चलना है हमारे साथ, चलिए इनसे बात करते हैं। ये वाले जो बोझा हैं, क्या जी आपको चलना है? हाँ देखिए ये भी कह रहे हैं हाँ चलना है, हाथ हिला रहे हैं हमारा। तो चलिए इन लोगों को ले चलते हैं घर पर। तो जैसे कि ये मेरे सर पर शनिदेव की तरह सवार हो चुके हैं, लगभग 5-10 मिनट तक मेरे सर पे ही रहेंगे और इनको ले जाके इतना ज़ोर से पटकेंगे इनकी नानी मानी याद आ जाएगी। तो अभी इनको ले चलते हैं घर पे। अभी देखिए दोस्तों रास्ते में जाते जाते मुझे एक कीड़ा मिला है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, इसका नाम तो नहीं जानते हैं लेकिन इसको छूने पर ये अपने बॉडी को वो कर लेता है। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं रास्ते से क्योंकि किसी के भी पैर के नीचे आ सकता है। अभी इसको हटा देते हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी को भी। और देखिए ये जा रहा है धीरे धीरे अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहे आखिरी बोझा साहब, और इनको ले जाते हैं और फिर उसके बाद से हमारी छुट्टी हो जाएगी और शाम को इनको पीटना है। तो फाइनली हमने सारा बोझा ढो चुका है, चारों बोझा। और ये देखिए ये मोगली से खड़ा कर रही बैठी है, क्या हुआ? मम्मी मामा है यहाँ पे, मम्मी खोज रही हो? आ? अच्छा चलोगी मेरे साथ? चलो बोझा ढोने चला जाए। अरे अरे गिर जाएंगे कंचुमे में दो तभी ना। चलो ठीक है जाते हैं, ठीक है करे बाय, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओह बड़ी बदमाश है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो धान है पसारा गया था, अब इसको बोरा में भरा जा रहा है। और ये देखिए छोटी सी मोगली से उसको इकट्ठा कर रही है, चलिए जल्दी जल्दी इसको इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। सारा काम हो चुका है और यहाँ पे देखिए ऊपर से ला के नीचे जो भी बोरे थे उनको नीचे ला दिए हैं। और ये देखिए मोगली क्या कर रही है, ए क्या कर रही है, क्या कर रही हो? अच्छा तो इतनी चंट लड़की है, देखिए ये तुलसी जी हैं, इनके अंदर देखिए पूरा धान भर दी है। ये कौन भरा है? सियरा भरा है? हाँ। चलो नीचे रखो बाल्टी, रखो नीचे, चलो रखो बाल्टी, चलो चलो बदमाश, चलो नीचे, चलो नीचे चलो। अरे बहुत बदमाश है ये। तो सारा काम घर का कर चुके हैं और हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ और थोड़ा पढ़ाई कर लें, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी में। Thank you.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up.